हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं विद ट्रिक एंड शॉर्टकट मेथड। तो आपको ये समझना है कि ये वीडियो आपके लिए इतनी यूजफुल होने वाली है ना कि आपको मजा आ जाएगा। ये वीडियो आपके क्लास 12 जेई और नीट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखो, डट के मजा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर थोड़े से शॉर्टकट की बात करें, तो उससे पहले तो हमें समझना है ना कि अगर दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है, नेट कैपेसिटेंस जिसको हम बोल सकते हैं, ये होती है C1 + C2। ठीक है, और अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो वो कितनी हो जाती है, आप समझते हो, ये हो जाती है अगर दो कैपेसिटर हैं तो C1 C2 / C1 + C2, और अगर बहुत सारे हैं तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं C1 + C2 + C1 + C2 + C3 and so on, ये चलता चला जाएगा। ठीक, चलिए अभी सबसे पहला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं दैट इज न्यूमेरिकल ऑन एडजेसेंट कैपेसिटर या एडजेसेंट प्लेट कैपेसिटर भी इसको बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है एकदम पड़ोसी, साइड वाला। ठीक, चलिए, तो मान के चलो आपको क्वेश्चन ऐसे मिल गया, आप जानते हैं कि जो एक कैपेसिटर जो होता है ये दो ऑपोजिटली चार्ज सरफेस से मिलकर बनता है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेट से मिलकर के बनता है। ठीक, चलिए, तो एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, तीसरी प्लेट ये, चौथी प्लेट ये। पहले हम चार प्लेट का ही जो है क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला जो है बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह कनेक्शन दे दिया, ये जो प्लेट है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसी होगी। अब ना तो इसमें मुझे सीरीज समझ में आ रहा है और ना ही पैरेलल, तो घबराने का नहीं है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि यहाँ पर ना आप सिर्फ ये देखो कि कैपेसिटर दो प्लेट से मिलकर बनता है, तो अगर ये दोनों प्लेट हैं तो इससे मिलकर के एक कैपेसिटर बनना है जिसका नाम हो रहा है C1, इससे मिलकर दूसरा कैपेसिटर बन रहा है जिसका नाम हो रहा है C2, इससे मिलकर तीसरा कैपेसिटर बन रहा है जिसका नाम हो रहा है C3। तो चार प्लेट की हेल्प से तीन कैपेसिटर बन गए, समझे गए नहीं समझे, अदरवाइज तीन कैपेसिटर बनाने के लिए 6 प्लेट चाहिए होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये इन एडजेसेंट कैपेसिटर का या एडजेसेंट प्लेट कैपेसिटर का यूज होता है कि कम प्लेट से ज़्यादा कैपेसिटर हम बना सकते हैं। चलिए अभी हम बात करें सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस इन प्लेट को नाम दे दो अलग से। तो हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे, भाई देखो 1 इसको दे दिया, 2, 3 and 4। अभी क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना देखेंगे कि यहां पर ए पॉइंट से कौन कौन से प्लेट कनेक्टेड हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए पर, और ये ले लिया मैंने बी, ठीक, ए और ये बी। नाउ अभी चेक करो, ए से कनेक्टेड है प्लेट 1 और प्लेट 3, तो यहां लिख दिया मैंने 1, 3। नाउ बी से कौन कनेक्टेड है, देखो जरा, सेकेंड प्लेट और फोर्थ प्लेट, तो यहां लिख दूंगा मैं सेकेंड और फोर्थ प्लेट। चलिए अब आप भी देखो, कैपेसिटर जो है C1 कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट के बीच में है, तो देखिए जरा, C1 कैपेसिटर है फर्स्ट प्लेट और सेकंड के बीच में, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में C1 है, तो मैंने यहां से लगा दिया। अभी देखो नेक्स्ट, C2 कैपेसिटर को देखो कहां है, C2 कैपेसिटर सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में है, तो सेकंड ये रहा, मतलब 2 और थर्ड ये है, तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने इस तरीके से। नाउ अभी देखिए, ए से ही कनेक्टेड है। नाउ अभी देखो ये C3 किससे कनेक्टेड है, चेक कर लेते हैं, तो थर्ड वाला कैपेसिटर थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट के बीच में, थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट, तो इन तीनों को कनेक्ट कर दो, बस हो गया। बस अब तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो आपको दिख गया भाई ये C, 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 अब इन तीनों की कैपेसिटेंस हो जाएगी सीरीज पैरेलल में, तो तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई 3C। अदरवाइज इसको देख के हमें पता ही नहीं पड़ रहा था कि कैपेसिटर ये कैसा है या कॉम्बिनेशन कैसा है। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। मान के चलिए कि भाई यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का जो है प्लेट बना के रख दी है, लेट्स से यहाँ पर ज्यादा प्लेट बना देंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में इसको बोल देता हूँ, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, थर्ड प्लेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये कनेक्शन कर दिया। अब यहां पे देखो, ये प्लेट मैंने इससे कनेक्ट कर दी और ये वाली प्लेट मैंने इससे कनेक्ट कर दी, ठीक, बात क्लियर है, रैंडम कनेक्ट कर दिया। अब आप ये देखो कि यहां पर मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये मैंने ये पॉइंट दे दिया पॉइंट बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट
ए, आपको दिखाई पड़ रहा है, चलिए बहुत सही। अब आप ये समझो कि भाई ये आपको इतना जो है खतरनाक सा कॉम्बिनेशन मिल गया, अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है इन प्लेट को नाम दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेट, ठीक, काफी है, बहुत है ना। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर दे देंगे फर्स्ट वाली प्लेट और सेकंड प्लेट से मिलकर बनेगा पहला कैपेसिटर, इन दोनों से बन जाएगा सेकंड कैपेसिटर, इन दोनों से बन जाएगा थर्ड कैपेसिटर, फोर्थ फिफ्थ से बनेगा फोर्थ, इससे बन जाएगा फिफ्थ कैपेसिटर, और इससे बन जाएगा सिक्स्थ कैपेसिटर। क्लियर हो गई, तो 7 प्लेट से मिलके 6 कैपेसिटर बन गए, कितनी ही सुंदर बात हो रही है। अभी आप ये देखिए, अब इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं तो समझ लो जरा। तो फिर से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, क्लियर। ए पॉइंट किससे कनेक्टेड है, सेकंड प्लेट से और फोर्थ प्लेट से। तो मैं ए की जगह पे क्या लिख दूं, सेकंड कॉमा 2, 4। अब बी देखो, थर्ड प्लेट से कनेक्टेड है और सिक्स प्लेट से, तो मैं यहां लिख देता हूं 3, 6। क्लियर है नाउ। अभी क्या करना है, अभी आपको सिंपल सा एक काम करना है कि यहां पर मैं क्या करूंगा कि पहला कैपेसिटर प्लेट 1 और 2 के बीच में है। अब मुझे 1 नहीं मिल रहा है, तो पहला कैपेसिटर किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। अब 1 तो यहां पे कहीं लिखा ही नहीं है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो ये 2 तो मिल गया ना, 2 तो मिल गया, अब 1 का नहीं पता, तो मैंने एक काम किया भाई, ये ए है, ठीक, अगर अपन चाहें थोड़ा सा इसको साइड में घिसका लें तो ये लो, ठीक है ना। अभी देखो ये 2 पर है, 2 और 1 कनेक्टेड है ना, तो यहां पे मैंने 2 लिया और ये मैंने यहां पे मान लिया कि भाई कहीं पर बीच में हो सकता है पॉइंट 1, जहां जरूरत पड़ेगी यहां पर हम लिख देंगे ना। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, अब 2 और 3 तो मुझे पता है कि हाँ सर 2 तो ये है और 3 ये है, तो सेकंड कैपेसिटर प्लेट 2 और 3 के बीच में है, तो ये मैंने बनाया, ये 2 और 3 के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये बना दिया, ठीक ना। अभी देखिए जरा, बी थोड़ा सा नीचे कर दूं ना, चलिए अभी देखते हैं आगे, थर्ड कैपेसिटर प्लेट 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4, ये 3 है और ये 4 है, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 और 4 के बीच में थर्ड कैपेसिटर, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखो 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर है, अब मुझे जो है 4 तो ठीक है, 4 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं पता, तो मैंने एक कैपेसिटर लिया और 4 से कनेक्ट करना है और 5 के बीच में, तो अब मुझे 5 तो पता नहीं, तो मैंने 5 जो है यहां लिख दिया, ठीक है। अब एक कैपेसिटर जो है 5 और 6 के बीच में, अभी देखो ये 5 और एक कैपेसिटर, ये 5 और 6 के बीच में, मतलब यहां पर कुछ कनेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है, चलिए तो मतलब ये काम बन जाएगा ना। अभी देखो एक कैपेसिटर 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7, तो मुझे नहीं पता, ये 6 तो दिख रहा है लेकिन 7 का नहीं पता, तो मैंने यहां से उठा के यहां पे कहीं कनेक्शन ले दिया, अब आगे ये पॉइंट मीट नहीं कर रहा है। तो अब जो भी कैपेसिटर कहीं पे कनेक्ट नहीं कर पाए, जैसे कि ये आखिरी वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, तो इनको तो हटा ही दो, ये किसी काम का ही नहीं है, ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें इसका सर्किट पूरी नहीं हो पाएगी ना, तो ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। इसी तरह से ये भी कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए सर्किट बनाऊं तो सिंप्लीफाइड सर्किट कैसी बनेगी, देखो जरा, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर और 2 ये कैपेसिटर, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर। हम अगर देखें कौन कौन सा कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया, तो भाई ये C1 हट गया सर्किट से, सॉरी यहां जी C6 हट गया और ये C1 हट गया, बाकी ये कौन सा है C2, ये कौन सा है 4 और 6 के बीच में, एक मिनट, ये कौन सा 2 और 3 के बीच में होगा, ये C1 C2 ये C3 होगा, ये C4 होगा और ये C5 हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप नाम वगैरह दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये हटा दिया हमने नाम। अभी देखो अगर हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तो अब आप निकाल ही लोगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, निकाल लोगे ना, सिंप्लीफाइड करना सिखा दिया, चलिए निकालोगे, हाँ भाई इतना काम कर सकते हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटीज निकाल के दिखाओ, मुझे पता है आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ भाई आप देखते हो कम से कम इस टाइम तक पहुंच पाए। आगे बढ़ जाएं, तो आपका होमवर्क है इक्विवेलेंट कैपेसिटीज निकाल करके बताना, मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा गाइस। चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना,
इन बीट स्टोन ब्रिज टाइप क्वेश्चंस, दैट मींस अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल गया तो इसमें हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा कैपेसिटर सीरीज में और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें हमेशा चेक करना पड़ता है, थोड़ा वैल्यूज को देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है भाई कितने कैपेसिटर हैं। तो ना तो अगर कहीं भी आपको इस तरह से पांच कैपेसिटर लगे हुए मिल जाए, कितने कैपेसिटर, पांच कैपेसिटर, तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि भाई वैल्यूज का रेशियो क्या क्या निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया, दिस इज कैपेसिटर C1, C2, ये आपका C3, ये C4। इस कैपेसिटर की वैल्यू मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूं, लेट से दिस इज 2 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, 12 माइक्रोफेरड, और ये जो है ना इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं 7 माइक्रोफेरड, ठीक है। चलिए और यहां पर इसको मैं नाम दे दिया, लेट से दिस इज कैपेसिटर नंबर 5, तो ये हो गया C5। अब अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा सा मुझे जो है ना सीरीज और पैरेलल में लगाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं देखूंगा अगर चार्ज यहाँ से आया तो ये चार्ज को दो रास्ते मिल गए, एक चार्ज पहुंचा ऊपर और चार्ज का कुछ पार्ट पहुंच गया नीचे, क्लियर। इसके बाद ये चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो इसके बाद इस चार्ज को, ये चार्ज भी ऊपर जा सकता है और ये चार्ज भी नीचे जा सकता है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, पता नहीं पड़ पा रहा है किसके सीरीज में किसके पैरेलल में। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप चेक करें इस पांच कैपेसिटर वाले नेटवर्क में, कैपेसिटर और भी हो सकते हैं लेकिन वहां पर ऐसा पांच कैपेसिटर्स का ग्रुप बन सकता है, इसको हमें चेक कर लेना है। तो देखो कभी भी अगर C1/C3 और C2/C4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब अगर मैं C1/C3 का रेशियो निकालूं, C2/C4 का रेशियो निकालूं और ये दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भाई ये जो है ना ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, इसका पोटेंशियल ही वी और इसका पोटेंशियल ही वी, और ऐसी कंडीशन में चार्ज इसके अंदर फ्लो नहीं होता है। बोलो सर ये क्या कह रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी चार्ज के रास्ते में चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर जो है रेजिस्टर, चार्ज के रास्ते में कुछ भी आ जाए तो हमेशा जो पोटेंशियल होता है ना वो चेंज होता है। तो लेट्स अगर यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा, तो भाई थोड़ा सा चार्ज अगर इस कैपेसिटर से पास हुआ तो चार्ज के कैपेसिटर से पास होने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर कुछ आ गई भी। अब यहां से कुछ चार्ज पास हुआ तो यहां पर भी पोटेंशियल चेंज हुआ तो यहां पर भी कुछ वैल्यू आ गई, ठीक। तो आपको यह समझना है कि यदि C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 होता है तो भाई इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है सेम, और जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो ऐसे केस में इसमें कोई भी करंट फ्लो या चार्ज फ्लो नहीं होता। तो अभी हम इसको अगर देखें तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये ए पॉइंट से यहां पर आया और ये यहां पर कुछ इस तरीके से, फिर यहां पर इस तरीके से, ये वाली सर्किट तो, ये वाला कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो हम इसको देखेंगे कि भाई ये चेक करिए जरा। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 12। अब ये सीरीज में है, इन दोनों को जो है सॉल्व करके 2 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा, 4, 2, 8, 6, मतलब 8/6 ये हो जाएगा। और यहां पर ये देखो जरा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72/18, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये हो गया 8/6 और ये हो गया 4। तो अगर आप इन दोनों को इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे 8/6 और ये 4, तो आपको नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगी, क्लियर है। तो 8/6 और ये 4 पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो 8/6 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 LCM और ये 8+24, तो 32/6 हो गई आपकी नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये माइक्रोफेरड में आ जाएगी, तो अप्रॉक्स ये आपकी जाएगी 5.3 माइक्रोफेरड, क्लियर है। तो ये आपको कर लेना है। नाउ इसके बाद इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूर नहीं है कि ऐसा दे दिया जाए, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बना के दे सकता है, ठीक। तो ये वाली जो आर्म है, अगर ये जो रेशियो है कौन सा वाला, हाँ जी भाई, चलिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, जरूर नहीं कैसे बना के दे, बस आपको समझ लेना, लेट्स से दिस इज ए और ए बी, इसके बाद सी और ये डी। तो भाई अगर ये जो रेशियो निकल के आ रहा है C1 और C3 का रेशियो,
ये C2 और C4 के रेशियो को बराबर हुआ तो उस BDR में कोई भी चार्ज या कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इस तरह कॉम्बिनेशन पहचानना है आपको। तो ये और ये नेटवर्क एक ही तरीके से लिख के दिया जा सकता है। चलिए अभी हम यहाँ पर जो है आपको एक और क्वेश्चन इसी तरह से बन जाता है, इसको समझा देते हैं। लेट्स से तो यहाँ पर तीन कैपेसिटर लाइन से लगे हुए हैं, एक दो और ये तीसरा कैपेसिटर, ठीक। और यहाँ पर ना एक कैपेसिटर और लगा दिया कुछ इस तरीके से, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया कुछ इस तरीके से। मान के चलते हैं भाई सभी की वैल्यू जो है ना वो सी है, कितनी है सी सी, या चलो सी की जगह मैं यहाँ पर जो है ना ABCD लिखना पड़ेगा। सबकी वैल्यू मैं देता हूँ 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इसको अलग से थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए इसकी वैल्यू दे दी मैंने, लेट से 9 माइक्रोफेरेड, कितनी 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। अभी आपको इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो फिर से समझना पड़ेगा कौन सा जो है कॉम्बिनेशन या कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से एक काम करेंगे, लेट से ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब आप ये जानो कि जब भी चार्ज के रास्ते में कोई भी कॉम्पोनेंट आया, कुछ भी आ जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक ना। तो हमने माना कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल ए और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी। नाउ अभी क्या हुआ कि भाई यहां पर पोटेंशियल कितना है बताओ जरा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं आया चार्ज के रास्ते में, तो अभी यहां तक का पोटेंशियल ए है। लेकिन जैसे ही चार्ज के रास्ते में कैपेसिटर आया, यहां का पोटेंशियल बदल के कुछ हो गया, लेट से कितना हो गया, तो भाई देखो बी तो नहीं दे सकता मैं, क्योंकि बी तो कहीं और का पोटेंशियल है, तो मैंने इसको नाम दे दिया सी। अब देखिए जरा, हाँ क्योंकि कैपेसिटर आ गया तो चार्ज के रास्ते में कैपेसिटर आ जाए तो पोटेंशियल बदल जाता है ना। अभी देखिए यहां का पोटेंशियल कितना है, यहां का पोटेंशियल है बी, तो यहां का भी कितना है, यहां का भी बी, क्योंकि अभी तक चार्ज के रास्ते में कुछ भी नहीं आया। अब देखिए जरा, जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ा, चार्ज के रास्ते में कैपेसिटर आ गया, तो अब कैपेसिटर आ गया तो भाई यहां का पोटेंशियल तो बी था, लेकिन जैसे ही इसने कैपेसिटर को पास किया, यहां का पोटेंशियल बदल के कुछ और हो गया, और इसको हमने नाम दे दिया डी, ठीक। अब कुछ भी नहीं करना है, अब आप सर्किट बना लो। तो आप चेक करो कि भाई ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, इस ए पॉइंट के कितने कनेक्शन है, तो देखो ए पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, देखो जरा ए पॉइंट जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है एक कैपेसिटर सी से, देखो जरा ऐसा नहीं है, ए एक कैपेसिटर है और ये पॉइंट क्या है, देखो ए एक कैपेसिटर और ये सी। चलिए नाउ एक और देखो, ए जुड़ा हुआ है डी से, किससे, ए जुड़ा हुआ है डी से, तो एक कैपेसिटर के अंदर पे ये ए जुड़ा हुआ है डी से। नाउ अभी आप ये देखो, चेक करना, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये सी और डी के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। अब देखो जरा बी किससे जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है बी से। नाउ अभी देखो बी और किससे जुड़ा हुआ, बी जुड़ा हुआ है एक कैपेसिटर छोड़ के डी से। तो बताइए बन गया ये रेशियो। अब चेक करना अपन को 1:2 है कि नहीं है, तो अभी देखेंगे जरा। यहां पर देखो, मतलब देखो अगर मेरे पास मैं इनको नाम दे दूं, लेट से दिस इज, तो आप मुझे बताओ जरा कि सी और डी के बीच में, जैसे अगर मैं इसको वैल्यूज दे दूं यहां पर कुछ, जिस तरह सबकी वैल्यू 2-2 दी है ना, और उसकी 9, तो ये 9 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, क्लियर है। वैल्यू कुछ भी रख दो, बस रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक। तो आप ये देखेंगे ये कैपेसिटर किसमें, व्हीटस्टोन, ये जो नेटवर्क है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला नेटवर्क है। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि भाई देखो यहां पर 2/2 1 मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। जो भी चार्ज आएगा वो इस तरह सीरीज में नीचे नहीं आएगा और इस तरह से फ्लो होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा और इस तरह से फ्लो होगा। तो यहां पर ये कुछ ऐसा बन गया कि देखो ये ए और ये बी, ये भी 2.2, ये भी 2.2, तो यहां पर आप देखेंगे ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक, इन दोनों, ये तो सीरीज में ना, तो 1 और 1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो नेट निकल के आएगा दैट विल बी 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो हम इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम करेंगे इन्फिनिटी लैडर वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखने में तो बड़े से जो है कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन उतने कॉम्प्लेक्स होते नहीं है, सिर्फ 1 सेकेंड का इसका सॉल्यूशन होता है, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको समझेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन में आपको देखो, ये दिख रहे हो, ये सीरीज जो है कैपेसिटर की है जो कि इन्फिनिटी तक जा रही है,
लेकिन इस तरह के कभी भी आपको इन्फिनिटी लेटर वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे इनफाइनाइट सीरीज वाले, उनमें कोई ना कोई जो है सिमेट्री तो होगी होगी, एक फिक्स पैटर्न जरूर से होगा, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर एक कैपेसिटर हो, जैसे अपन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई ये इसमें एक कैपेसिटर, फिर इसमें दो कैपेसिटर, फिर इसमें चार कैपेसिटर, फिर इसमें आठ कैपेसिटर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कोई ना कोई सिमेट्री तो आई। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये देखो, ये 8 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड, ये देख रहे हो, ये आप ये देखेंगे भाई, यही 8 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड की रिपीटिंग यूनिट यहां पर है। पहली यूनिट, अब ये दूसरी यूनिट, फिर इसी तरह से ये तीसरी यूनिट, एंड सो ऑन, भाई लगातार चलती चली जा रही हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अभी एक्चुअल में आप इस चीज को समझो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान ली कि ए और बीच की है कितनी, सी, ठीक। ए और बीच की जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पूरे नेटवर्क की होगी, पूरे नेटवर्क की होगी, ठीक। जरा सोचो कि भाई अगर मैं कहता हूं कि इनफाइनाइट कैपेसिटर है, तो पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस हो गई लेट से 1000, या मान के चलो कि भाई 10,000 माइक्रोफेरेड, या 10,000 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये मान के चलना। सोचो जरा, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई पूरे नेटवर्क की जो नेट कैपेसिटेंस है वो 10,000 माइक्रोफेरेड हो गई, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट में से, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स में से अगर मैं यहां पर स्टार्टिंग के बस ये दो कैपेसिटर छोड़ देता हूं और सारे इनफाइनाइट कैपेसिटर को ऐड करता हूं, तो इसकी कैपेसिटर पे कोई, कैपेसिटेंस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा सर, तो मान लेते हैं भाई 9999.1 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस हो गई। तो अप्रोक्स अगर मैं ये देखूं तो जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है, जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है, वही कैपेसिटेंस तो ये पीछे वाले पूरे की है, अगर मैं इस एक उसको छोड़ दूं तो, अप्रोक्स है कि नहीं, तो मैं अगर उस पूरे की जो नेट कैपेसिटेंस है वो 10,000 माइक्रोफेरेड है, अगर मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं, तो भाई सिर्फ एक यूनिट को हटा दूंगा तो कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको भी 10,000 माइक्रोफेरेड अप्रोक्स मान सकता हूं। एक अंदाजा ले रहा हूं, मैंने कोई भी एक रफ वैल्यू यहां पर ले ली, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहां पर ये समझो, आप यहां पर ये समझो कि भाई इसकी जो कैपेसिटेंस है अगर वो सी है, तो इस पूरे नेटवर्क की भी जो कैपेसिटेंस है इस एक यूनिट को छोड़ करके मैं सी ही तो अप्रोक्स मान सकता हूं ना, तो बस वही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा अभी यहां पर कि यहां पर बनाऊंगा कि अगर ये कैपेसिटेंस सी है तो ये वाली कैपेसिटेंस भी सिर्फ एक यूनिट को छोड़ करके, उस एक यूनिट को मैं यहां बना दे रहा हूं, बाकी सारी यूनिट तो रिपीट हो रही है। तो एक यूनिट कौन सी है भाई, एक यूनिट ये है, ये 8 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड, और ये पूरे की जो नेट कैपेसिटेंस मैंने मान ली, ये पूरे पीछे वाले की नेट कैपेसिटेंस मान ली मैंने सी, और ओवरऑल भी मैं कितनी मान रहा हूं, ये ए और ये बी सी, तो मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, बस ये मेरा काम है। तो अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सर आपने जो इसको आसान बना दिया, अब क्या करेंगे, अब देखो जरा मैं करूंगा, ये देखो यहां से ये जो 6 और सी, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में यहां पर इन दोनों को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6C अपॉन सी प्लस, ये 6 और सी का अपॉन सी प्लस 6, ठीक है। ये कैपेसिटर ये इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हो गया बी। अभी क्या करना है इसमें, ये 8 है, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाते हैं, तो सिंपल पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा भाई, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, पैरेलल में तो सिंपल ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 सी अपॉन सी प्लस 6, क्लियर नाउ। अभी सी इक्विवेलेंट क्या है, सी इक्विवेलेंट हमने मान ली ना, ओवरऑल सर्किट कितनी है सी नाउ, तो अभी ये देखो सी 8 प्लस यहां पर एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस 6, और इसका इससे मल्टीप्लाई क्योंकि एलसीएम के बाद, तो ये हो जाएगा 8 सी प्लस
6c तो यहां पर ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 6c प्लस, हाँ जी, सी स्क्वायर प्लस 6c, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस 6c इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 8c प्लस 48 प्लस 6c, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8c प्लस 48, यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसा बचेगा सी स्क्वायर माइनस 8c और ये माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, वेट, अभी मैं इसको यहां पर कुछ इस तरीके सॉल्व कर देता हूं, सी स्क्वायर माइनस 8c माइनस 48। अब तो देखो मेन टाइम अपन को किसमें लगा, मेन टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन में, बाकी तो सब हम जो है एक सेकंड में हमने सॉल्व कर ही दिया उसको, है ना, क्योंकि मेन चीज क्या है, मेन चीज तो सिर्फ आपको इसको समझने में लगना है, अगर आप ये नहीं भूलोगे तो कभी कोई चीज नहीं भूलोगे ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे और पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाली को नहीं करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू करने पे, सॉरी प्लस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 8c आना चाहिए, तो चलो मैं इसको फैक्टर करूंगा तो ऐसे हो जाएगा माइनस 12c प्लस 8c इज इक्वल टू, अच्छा और ये प्लस का 48 माइनस का 48 और ये आपका इज इक्वल टू 0, तो c कॉमन आ जाएगा c माइनस 12 और यहां पर आ जाएगा जो है 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा c माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो है c माइनस 12 और ये c प्लस 4, ये दो फैक्टर बन रहे हैं, तो यहां पर आप ये देखेंगे c की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12 माइक्रोफेरड और यहां पर एक सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 4 माइक्रोफेरड, तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज नेगेटिव है, ये वैल्यू हम कंसीडर करेंगे बिकॉज पॉजिटिव है, तो यहां पर जो नेट कैपेसिटेंस जो आ जाएगी, नेट कैपेसिटेंस ये हो जाएगी आपके पास सी इज इक्वल टू प्लस का 12 माइक्रोफेरड। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है ना। चलिए तो अब मान के चलो कि आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ये अलग ही इन्फिनिटी लैडर है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लो, ये भी तो कुछ ऐसा है कि यहां पर आपको दे दिया कि भाई ये सर्किट जल्दी चली जा रही है, ये आगे तक, ये आगे तक, तो आपको इस कॉम्बिनेशन में निकालना है नेट कैपेसिटेंस, क्या निकालना है आपको इस कॉम्बिनेशन में, नेट कैपेसिटेंस, कोई भी दो पॉइंट हम मान सकते हैं, लेट से ये पॉइंट हो गया भाई ए और ये पॉइंट हो गया इस तरह से बी दिया हुआ, तो नेट कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में देखो आप कि पहले वाले की जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितनी है, पहली ब्रांच में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली ब्रांच में देखो कि कैपेसिटेंस कितनी है, लेट से पहली ब्रांच में देखें तो भाई सी है, दूसरी ब्रांच में दोनों सीरीज में तो ये हो गई सी बाय टू, ये सी बाय टू, तीसरे में कितनी है, तीसरी में है देखो 4 कैपेसिटर तो सी बाय 4, चौथे में ये 8 कैपेसिटर है तो सी बाय 8, बोला सर 7 दे दिए जाए तो सिमेट्री नहीं बनेगी और ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, ठीक है जरा, तो इस तरह से आप ये देखेंगे भाई अगले में 16 हो जाएंगे तो सी बाय 16, इस तरह से इन्फिनिटी बहुत दूर तक चला जाएगा, ठीक है बात उठी है तो दूर तक जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये देखो कि भाई ये जो है ये सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं ये किस में है, ये पैरेलल में, भाई ये सीरीज में थे तो सी और सी मिलके सी बाय टू बन गया, सी 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 मिल गए ये सी बाय फोर मिल गया, अब ये किस में बोला पैरेलल में, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पैरेलल में ऐड कर देते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस या सी इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सी प्लस सी बाय टू प्लस सी बाय फोर प्लस सी बाय एट प्लस सी बाय 16, ये देखो ये तो बोला सीरीज इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये क्या बन रही है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी कॉमन आ गया, अब ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, हाँ 1 भी बच रहा है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/ ये आपका 8 प्लस 1/16 एंड ये सो ऑन। नाउ अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो हम क्या करेंगे पहले हमें सीरीज को सॉल्व करेंगे, ये सीरीज को सॉल्व करेंगे, अब इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आंसर क्या आएगा, तो मैं यहां पर सीरीज को सॉल्व कर देता हूं, तो सम ऑफ ये इनफाइनाइट सीरीज जो है इसका जो सम जो निकल के आएगा दैट विल बी ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक, ए क्या है यहां पे, ए है यहां पर आपका फर्स्ट वाला टर्म, फर्स्ट टर्म इसको सॉल्व करेंगे यही तरीका होता है ना, तो ये फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है यहां पे, आर है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो कितना है, डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा,
ठीक नाउ, तो अभी देखो अगर ए तो क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है वन। नाउ अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आर निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वन अपॉन फोर डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू ऐसा कर लूंगा, तो 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय ये आपका 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो कैंसिल करने पे ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है ठीक। या फिर चलो मैं आपको ऐसे बता दूं कि r निकालना है तो इन दोनों का, तो देखो ये सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करो या फिर इसमें डिवाइड करो, तो 1 बाय 8 डिवाइडेड बाय या थर्ड में सेकंड का, किसी में भी किसी का डिवाइड कर लो, तो ये आपको मिलेगा 1 बाय 8 इंटू 4 बाय 1, तो ये आपका 1 बाय 2। तो यहां पर आप ये देखेंगे r की वैल्यू क्या आ रही है, r की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 बाय 2। बात क्लियर हो गई। आप चाहें तो इसको छोटा सा करके कहीं भी रख सकते हो ठीक है। चलिए नाउ कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका, कलर का ऑप्शन नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं ना। तो अभी आप यहां पर देखो किस तरह से हम आर निकाल सकते हैं ना। अभी क्या करना है आपको, सम तो हमने निकाल दिया, तो अभी आप यहां पर सम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ए, ए की जगह वन, वन माइनस आर के प्लेस पर वन बाय टू, तो आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो वन माइनस ये आपका टू माइनस, टू माइनस वन अपॉन टू ठीक है। तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा 1 माइनस वन बाय टू, तो अगर हम इसको पलट देंगे तो r की वैल्यू मतलब ये जो पूरा सम है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2। तो अब आप इसकी जगह क्या करें, बस ये c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c इंटू ये पूरे की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये पूरे की वैल्यू निकल के आ गई 2 ठीक। तो c इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 2c। मैं आपको यहां पे बता दूं कि R निकालने का, R अगर आपको निकालना है तो R निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लेना है, बस आपका काम बन जाएगा। क्लियर है नाउ? तो बस ये आपको इस तरह से इनफाइनाइट लेटर वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और तो ये क्वेश्चन और बढ़ाए जा सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके और दिखा देता हूं ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कैसे करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं बना पाऊंगा या बना पाऊंगी ठीक ना। तो अभी देखो यहाँ पर ना आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी, कैसे निकालेंगे, तो पहले आप एक चीज हमेशा याद रखते हैं कि अगर चार्ज कैपेसिटर से पास होता है या किसी भी कॉम्पोनेंट से तो पोटेंशियल चेंज होता है। तो अगर बराबर के कैपेसिटर से पास होगा तो बराबर का पोटेंशियल चेंज होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई ए पॉइंट से चार्ज आया और ये जो चार्ज है वो इस 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस से पास हुआ और ये वाले 1 माइक्रोफेरेड के से भी, तो आप ये देखेंगे भाई यहां का पोटेंशियल अगर वी है तो यहां का पोटेंशियल भी वी होगा, तो ये वाले कैपेसिटर पर चार्ज नहीं पहुंचेगा। इसके बाद जब कैपेसिटर आगे बढ़ा तो ये दोनों ही चार्ज जो है, सॉरी जब चार्ज आगे बढ़ा तो ये ऊपर वाला चार्ज और नीचे वाला चार्ज भी दोनों ही 3-3 माइक्रोफेरेड से पास होंगे। तो आप ये पाएंगे कि भाई दोनों जगह पर सेम पोटेंशियल आ जाएगा, लेट्स से वी डैश और बी डैश। तो भाई ये वाले में भी क्योंकि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है तो इसमें भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होने के कारण। तो आप यहां पर पाएंगे कि इस तरह से इसमें भी कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो बीच वाले जितने भी कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं ये आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये ऊपर वाले को हमने नाम दिया, ये यहां पर एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इस तरह से ये बिल्कुल एंड तक जा रहा है, और इसी तरह से ये यहाँ पर भी एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये यहाँ पर जा रहा है बिल्कुल एंड तक। चलो ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास भी। अब मैं करूँगा ना कि ऊपर वाली ब्रांच की जो पूरी की पूरी कैपेसिटेंस है इसको नाम दे दूंगा C1, और नीचे वाले की पूरी कैपेसिटेंस को नाम दे दूंगा C2। अब ये दोनों तो सीरीज में, जबकि ये आपस में C1 और C2 किस में है, पैरेलल में। तो पहले मैं C1 की वैल्यू निकालूंगा, तो C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा देखो, C1 क्योंकि सीरीज में, तो सीरीज में कैसे जो है ये बनेगा, तो 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू जो हमने इनफाइनाइट सीरीज बनाई थी वही बन रही है। अभी देखो जरा ये कितनी वैल्यू, 1, 3, 9, 27 ठीक। चलिए यहां पर भी ऐसे ये 1, 3, 9, 27 ना। तो अभी आप देखेंगे यहां पर ये कितना हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 27 एंड सो ऑन, ये प्लस प्लस है। तो इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो इस सीरीज का जो पूरा सम होगा
सम ऑफ सीरीज वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ सीरीज, ये हो जाएगा आपके पास S इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फिर से आप 1 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 3, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, कॉमन रेशियो है ना, तो कैसे भी निकालो, तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 3 बाय जो है इंटू 3 बाय 1, पलट जाएगा ना ऊपर जाके, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। तो आप यहाँ से समझें कि यहाँ पर ये 1 अपॉन, तो अगर मैं ये जो सम ऑफ सीरीज का एडिशन करूँगा तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ऊपर जाके ये निकल के आएगा 3/2। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे जो इस पूरे की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3/2, तो 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना निकल के आया 2/3, तो ये हो गया 2/3। तो यहां से अगर मैं C1 की वैल्यू निकालूंगा कितनी हो जाएगी 3/2, क्लियर है आंसर, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3/2 हो रही है क्या, अच्छा ये 3/2 हो रही है, तो ये पलट के 2/3 हो जाएगी, है ना 3/2 और ये 2/3, क्योंकि आंसर 1 से छोटा आना चाहिए इसमें ना। इसी तरह से अगर मैं देखूंगा C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, तो C2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2/3। तो यहां पर था C1 और यहां पर है C2, ये C1 और ये C2। अब क्या करना है, अगर ये वैल्यू 2/3 तो ये वाली वैल्यू भी 2/3 होगी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा ऐड, तो C1 प्लस C2 जो है इससे मिलेगी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 2/3 प्लस 2/3 ये आंसर आ जाएगा आपके पास सी, तो ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया ऊपर 4, तो आंसर हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफेरड। ऑब्वियसली बात है, हमने अगर सारी वैल्यूज माइक्रोफेरड में ली हैं तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि पहली चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए रिटर्न फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से, अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से ना। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, आपके शेयर करने से इन वीडियोस की थोड़ी सी रीच बढ़ेगी और थोड़ा सा और स्टूडेंट तक ये पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, ये मेरे लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, थैंक यू।